दोस्तों नमस्कार। ये एक दो क्वेश्चन का छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही क्वेश्चन होंगे और ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो 20 से क्वेश्चन उठाए गए हैं। इसका मतलब ये है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस के जो वीडियोस बनाए जा रहे हैं उसमें से ये 20 से दो क्वेश्चन उठाए गए हैं और इसमें ये दिखाया गया है कि उस प्रॉफिट एंड लॉस में जो क्वेश्चंस हैं उनके क्या लेवल रखे जा रहे हैं, मतलब कितने लेवल के क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किए जा रहे हैं, ताकि ये आप लोगों को बताया जा सके कि जो उसमें क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं इतने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और इतनी ईजली तरीके से वहाँ पर सॉल्व किया जा रहा है। बस इसी को दिखाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बना रहा है। वैसे और एक बात और है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक तो करना बनता ही है। अगर वीडियो आपको लगे कि हाँ मैंने जो मेथड बताया है हाँ वो एकदम सबसे अलग है, एकदम अच्छा है, एकदम मॉडर्न अपडेटेड मेथड है, तो कम से कम लाइक तो ज़रूर दीजिए। उससे हमें पता चलेगा कि जो मैं मेथड आपको डिलीवर कर रहा हूँ वो हाँ यानी सही है, यानी जिस पर मैं मेहनत किया हूँ उसका रिजल्ट यानी सही मिल रहा है। और यहाँ पर सारे के सारे मैथ के जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर कंप्लीट करवाए जाएंगे, मैथ एडवांस, अर्थमेटिक, सारे चैप्टर वो भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाए जाएंगे। SSC टीयर 2 का जो एग्ज़ाम है उससे पहले ज़्यादातर कोशिश यही रहेगा कि मैक्सिमम चैप्टर उससे पहले कंप्लीट किया जा सके। वैसे मैं कोशिश तो यही कर रहा हूँ कि दिन में कम से कम, इधर लॉकडाउन चल रहा है तो इसमें कम से कम दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो 4 वीडियो जितने हो सके जितने बन पाए उतना मैं अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम परचेज सम लेमन। राम कुछ नींबू खरीदता है। ही सोल्ड ऑल द लेमन्स, उसने सभी नींबू को बेच दिया। ही सोल्ड 23 लेमन्स फॉर ₹30। 23 लेमन को वो ₹30 में बेचा, सोल्ड किया है, एंड इनकर्ड 16.3% लॉस। और उसे क्या हो गया, इतने का लॉस हो गया। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन 18.75% प्रॉफिट, 18.75% प्रॉफिट पाने के लिए व्हाट शुड बी द सेलिंग रेट, तो उसे कितने रुपए में कितने नींबू बेचना पड़ेगा ताकि उसे 18.75% का प्रॉफिट हो। हिंदी में देख लेते हैं। राम ने कुछ नींबू खरीदे, उसने सभी नींबुओं को बेच दिया। उसने 30 रुपए में 23 नींबू बेचे। यहाँ ध्यान देना है, बेचने की बात कर रहा है। और उसे 2/3% की हानि हुई। अगर 18.75% का लाभ कमाना है उसे तो कितने रुपए में कितने नींबू बेचना उसे चाहिए, ये मेन है इस क्वेश्चन का मतलब। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं और देखो इसके इतना आसान और इतना बढ़िया तरीका बताएंगे, मुझे तो नहीं लगता कि आप कहीं पर पढ़े होंगे इस तरह का। ये बातें भी है, जो पढ़ चुके हैं जिनकी तैयारी अच्छी है वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपने तरीके से और फिर मेरा तरीका देखेंगे। ओके, सॉल्व करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस एक छोटा सा पहले मेथड समझाते हैं। बस एक छोटा सा मेथड ये है कि मान लो जैसे कि हम कभी दुकान पर जाते हैं तो एक दुकानदार से बोले कि भाई देखो, वो कहा ₹5 में अगर दो पेन मिल रहे हैं, तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि दो पेन कितने रुपये मिल रहे हैं, ₹5 मिल रहे हैं। ठीक है, अगर हमको 100 पेन खरीदने हो, मान लो यक्स पेन खरीदने हो तो कितने मिलेगा, तो ये पहले लिखें बट्टे जो इसके पहले अपॉन दिस इनटू कर देंगे जितना पेन हमें खरीदना होगा, तो इस तरह से हमें इतने रुपए निकालेंगे। बस एक यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब इसको समझाते हैं इस क्वेश्चन को। देखो कह रहा है कि राम ने कुछ नींबू खरीदे, उसने सभी नींबुओं को बेच दिया। देखो बेचा, ESP की बात कहा है, तो देखो ESP की, अभी हम ESP के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ बेचने के बारे में दिया है। तो कितने में 23 नींबू बेच रहा है, 23 लेमन्स बेच रहा है कितने रुपए में, 23 लेमन बेच रहा है ₹30 में। अच्छा, हमको तो पता नहीं है कि कितने नींबू, उसने कुछ नींबू खरीदे तो इस कुछ नींबू को हम मान लेते हैं उसने यक्स नींबू खरीदे, उसने टोटल कितने लेमन खरीदे, टोटल लेमन्स उसने खरीदे कितने मान लेते हैं यक्स, टोटल हम मान लेते हैं कि उसने यक्स लेमन खरीदे हैं जिसमें से देखो 23 लेमन्स बेच रहा है ₹30 में, तो हम ऐसे कह सकते हैं क्या कि यक्स लेमन्स जो होगा वो कितने रुपए में पड़ जाएगा, तो पड़ जाएगा देखो 30
अपॉन 23, 30 अपॉन 23 इंटू यक्स, यानी जो इधर है यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। देखो दिस, इसको रखेंगे दिस अपॉन दिस इंटू दिस, ठीक है। अब देखो इससे हमें क्या चीज़ मिला, यही तो हमारा एसपी हो जाएगा। देखो इतने रुपए, यानी टोटल यक्स लेमन खरीदने में इतने रुपए हमें खर्च करना पड़ेगा, तो ये पूरा का पूरा जो है यही तो हमारा क्या है, यही तो हमारा एसपी है पूरा, इतने रुपए। अच्छा इस एसपी को देख के हमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, पहले उसको समझते हैं। ये जो नीचे संख्या आया है ये क्या है, नंबर ऑफ लेमन्स है, ठीक है, नंबर ऑफ लेमन्स है, बस यहीं से हम ट्रिक बना रहे हैं। अच्छा ये जो 30 है ये ऊपर वाला, ये क्या है, ये रुपीस है, यानी इतने, देखो 23 इसका मतलब हो गया 23 लेमन 30 रुपए में, 23 लेमन 30 रुपए में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अच्छा देखो ये तो हमारा एसपी मिल गया, तो अब यहाँ पर हम थोड़े किनारे लिख लेते हैं कि एसपी इक्वल टू कितना आ गया है, एसपी इक्वल टू आ गया है 30x अपॉन 23, ठीक है। अब हम सीपी निकालते हैं, तो सीपी क्या हो जाएगा, तो सीपी कितने परसेंट के प्रॉफिट या लॉस हुआ है, 23% 17 सही 2/3% की क्या हुई है, हानि हुई है। तो अब इसको क्या करेंगे, देखो इसका मतलब होता है, इसका पहले मतलब समझ लेते हैं। तो इसका देखो 16, इसका मतलब होता है 1/6 से, देखो 16 होल 2/3 का हानि हुई है, इसका मतलब होता है 1/6, ठीक है। इसका मतलब 6 उसका सीपी है, 6 में 1 की कमी, तो देखो सीपी का कितने में बेचा, 6 के 1 की कमी यानी 5 में बेचा, कितने में ये, और ये इक्वल टू कितने में बेचा है 30/, देखो ये भी सीपी मिल गया, ईएसपी मिल गया, क्योंकि देखो इसमें इतने का लॉस हुआ है तभी तो ईएसपी मिला है, तो ये लॉस हो गया, ये इक्वल टू हो जाएगा 30x/23, तो जो कटे उसे काट देंगे, ये देखो 5/6 टाइम में कट जाएगा, तो सीपी यहां से हमारा क्या मिल जाएगा, ये इधर हो जाएगा सीपी मल्टीप्लाई हो जाएगा 36x/ तो कितना हो जाएगा, ये तो कट गया है 23 हो गया। अब देखो यहाँ पर भी देखने के बाद हमें एक चीज़ का ख्याल आना चाहिए कि सारे जगह जितने भी है ना सब क्वेश्चन बन रहे हैं, ये हमारा यानी देखो ये हमें क्या बताता है, ये बताता है लेमन की संख्या, क्या बताता है, लेमन की संख्या बताता है, यानी टोटल कितने लेमन है, और ये जो है ना इतने लेमन इतने रुपए में, इसका मतलब 36 लेमन 23 रुपए में, यानी ये देखो सीपी है, सीपी है तो जब वो खरीदने गया होगा तो वो खरीदा होगा तो 36 रुपए में उसको 23 लेमन मिले, ठीक है, 36 रुपए में यानी 33 रुपीज़ में 23 लेमन मिले, और बेचा कितने में, उसने बेचा 30 रुपीज़ में, ऊपर वाला रुपीज़ नीचे वाला संख्या लेमन से 30 रुपीज़ में 23 लेमन उसने बेचे, इसको कैसे निकाला, यहाँ से निकाला, चलो ठीक है। अब कह रहा है देखो सीपी तो मिल गया, अब उसे कितना चाहिए, उसे प्रॉफिट चाहिए कितने का, 18.75% का प्रॉफिट चाहिए, तो देखो 18 यानी अब हमें फिर यह नया न्यू एसपी निकालना पड़ेगा, न्यू एसपी क्या हो जाएगा, तो देखो जो सीपी है, सीपी कितना है 36x/23 है, इस पर उसको कितने की प्रॉफिट चाहिए, 18.75 इतने परसेंट का उसे प्रॉफिट चाहिए, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, देखो 18.75 का मान कितना होता है, तो ये अगर मान लो कन्वर्ट करना दिमाग में क्लिक नहीं किया, इसकी वैल्यू नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं ना, इसको कर लेंगे 18 और ये जो 0.75 का मतलब होता है 3/4, 78 × 75 = 4 हो जाएगा, परसेंट हटाएंगे तो यहाँ नीचे 100 आ जाएगा, काट देंगे तो 25 × 75 = 3/16, तो देखो इसकी वैल्यू आ गई 3/16, प्रॉफिट चाहिए कितने की प्रॉफिट चाहिए, 16/3 की प्रॉफिट चाहिए, इसका मतलब ये जो सीपी है 16/3 का प्रॉफिट मतलब हो जाएगा 19, यानी 16+3 हो जाएगा 19 यानी 19/16, ठीक है, ये हो गया, ये हमारा न्यू एसपी आ गया, जो कटे उसे काट लेते हैं, ये 4 बार में कट जाएगा, ये कितने बार में कटेगा, ये कट जाएगा 9 टाइम्स में, तो जो एसपी आ जाएगा न्यू एसपी, तो न्यू एसपी क्या हो जाएगा 19/171 171x/23/92, तो देखो यहीं से हमें रिजल्ट निकालना है, यानी ये तो हमारा लेमन है, तो 92 नींबू मिल रहे हैं कितने रुपए में, 171 रुपए में, जो कि ऑप्शन में गड़बड़ हो गया है, तो इसका 92 नींबू, तो एक और ऑप्शन ले लेते हैं, ऑप्शन ई ले लेते हैं कि 192 लेमन्स, देखो इसका मतलब इतने लेमन्स, ये हो गया लेमन की संख्या लेमन्स, ठीक है, 92 लेमन्स कितने मिल रहे हैं, 92 लेमन्स फॉर रुपीज़
फॉर रुपीज़ 171, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये ऑप्शन में नहीं है, थोड़ा मिस्टेक हो गया आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बनाया हो, क्वेश्चन बनाते समय थोड़ी बहुत कैलकुलेशन थोड़ी दिक्कत गड़बड़ हो गई, जिसकी वजह से ऑप्शन गलत हो गए हैं। तो ये क्वेश्चन नए नए हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, जो कि मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को पसंद आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं कि राम परचेज सम लेमन, ही सोल्ड ऑल द लेमन्स, ही सोल्ड 36 लेमन फॉर रुपीज़ 39 एंड इनकर्ड 27.77% लॉस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन 71.42% प्रॉफिट, व्हाट शुड बी द सेलिंग रेट। देखो इस क्वेश्चन को हिंदी में एक बार पढ़ देते हैं। राम ने कुछ नींबू खरीदे, उसने सभी नींबू बेच दिए, सभी नींबुओं को बेच दिया, उसने 39 रुपये में 36 नींबू यानी 36 नींबू खरीदे, नहीं बेचे, यहाँ बेचने की बात कह रहा है, बेचे मतलब नींबू बेचे, ठीक है, 39 रुपीज़ में 36 नींबू बेचे और उसे 27.77% की हानि हुई। 71.42% का लाभ कमाने के लिए बेचे गए नींबू का दर क्या होगा? इसका मतलब कि इतने रुपए को उसे लाभ कमाना, देखो इतने की हानि हो गई, इतने बेचने पर 27.77% की तो हानि हो गई, लेकिन उसे कमाना है लाभ इतना, तो वो कितने रुपए में कितने नींबू बेचे ताकि उसको इतने परसेंट का क्या हो, प्रॉफिट हो, लाभ हो। चलो सॉल्व करते हैं, इनका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, लेकिन यहाँ पर दो ही क्वेश्चन डाला जाएगा, क्योंकि बस ये समझाना है, पर्पज़ ये है कि आप लोग को ये दिखे कि हाँ इस चैनल पर कितने बढ़िया और क्वेश्चन कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ज़्यादा कुछ डिस्कशन किए। राम ने कुछ नींबू खरीदे, तो देखो कितने खरीदे नींबू खरीदे राम ने, जो भी मान लेते हैं टोटल कितने नींबू खरीदे उसने, टोटल लेमन्स जो है वो कितने खरीदे, मान लेते हैं टोटल एक्स लेमन उसने खरीदे, ठीक है, इसने इतने लेमन क्या किया, बाय किया। ओके, अब उस कर क्या रहा है, बेच रहा है 39 रुपये में 36 नींबू, तो देखो बेच क्या रहा है कि 36 नींबू लेमन्स, 36 लेमन्स कितने रुपए में बेच रहा है, 39 रुपीज़ में बेच रहा है, 39 रुपीज़ में। ओके, टोटल कितने लेमन है, तो एक्स लेमन का हमें तो क्या मिल जाएगा, एक्स लेमन का हमें मिल जाएगा प्राइस कितना हो जाएगा, तो 39 देखो रुपीज़ मिला अपॉन लेमन 36 इंटू यक्स, अगर ऐसे कहीं लिखा है देखो, तो ये बेच रहा है इसका मतलब ये हो गया हमारा एसपी, ठीक, तो एसपी तुम्हारा निकल आया। एसपी निकलने का मतलब क्या है, अगर कहीं इस तरह का लिखा होगा तो इसका मतलब होगा कि 36 लेमन है, ये हो जाएगा लेमन की संख्या, ये हो जाएगा रुपीज़, उतने रुपीज़ में, ठीक है। चलो देखते हैं, अब कह रहा है कि जब इसको इतने लेमन इतने रुपए में यानी 36 लेमन 39 रुपीज़ में जब बेचता है, तो उसे 27.377% की क्या होती है, हानि होती है। अब ये कितने परसेंट की वैल्यू है, 27, तो इस तो हम देखते हैं तो कितने परसेंट के इसका वो हुआ था, देखो 27.77% का, तो अगर ये वैल्यू आपको याद नहीं है कि ये वैल्यू कितनी है, ये तो आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। ये वैल्यू 27.7% जो है ये है कितने का मान होता है, 27.77 ये होता है 5/18, ठीक है, 5/18 इतने का लॉस हुआ, इसका मतलब 5 का लॉस हुआ, तो अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, देखो सीपी का कितने का लॉस हुआ, सीपी क्या है, सीपी पर 5 का लॉस हुआ, 18 में 5 का लॉस हुआ, तो बेचा कितने में, 18 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 में से 5 घटाएंगे तो यानी 13/5, 13/18, तो ये तो मेरा, अब देखो ये कुल मिलाकर हो गया क्या, एसपी हो गया, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इस एसपी के बराबर हो जाएगा 39x/36, तो ये देखो 13 3 39 18 2 36, तो सी की वैल्यू, सीपी की वैल्यू हमारा यहाँ से क्या जाएगी, सीपी की वैल्यू आ जाएगी 3x/2, इसका मतलब वो कितने में ख़रीदा होगा, देखो अब इससे भी यहाँ मतलब निकालना पड़ेगा कि देखो दो लेमन कितने में ख़रीदा था, 3 रुपये में ख़रीदा था, तीन इतने रुपीज में ख़रीदा था, दो लेमन 3 रुपये में ख़रीदा था और बेचा 36 लेमन 39 रुपीज़ में जब बेचा तो उसे 27.77% की हानि हुई, लेकिन देखो अब तो सीपी निकल गया ना, अब हमको यहाँ से एसपी चाहिए, तो एसपी न्यू जो आएगा, न्यू एसपी जो आएगा तो वो क्या मिलेगा यहाँ से, तो देखो सीपी का कितने परसेंट प्रॉफिट चाहिए, तो 71.2
27% प्रॉफिट चाहिए, 71%। तो देखो 14 25 70 14 25 70, यानी ये जो वैल्यू है 71.42, ये किसके बराबर होता है? 14 25 70, यानी 5/7 के बराबर है। तो इतने का प्रॉफिट चाहिए, इतने परसेंट है, इतने का प्रॉफिट चाहिए। तो जब इतने प्रॉफिट चाहिए तो इसका मतलब सीपी का हमें कितना निकालना पड़ेगा? सीपी का 7 + 12 यानी 12/7 निकालना है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कुछ कट रहा है, ये कट रहा है 6 बार में, तो 6 × 3 = 18 अपॉन 7x। तो एस पी न्यू जो होगा हमें ये दे दे। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हो गया कि 7 लेमन जब वो बेचेगा कितने रुपए में? 18 रुपए में। 7 लेमन जब वो बेचेगा 18 रुपए में, तब जाकर उसको 71.42% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। सब दिख रहा है? ओके, तो ये रहा हमारा 2 क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। और अगर आपको लगे कि हाँ अच्छे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, सही है, सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।